इन दिनों बागली थाना क्षेत्र के चापड़ा में चापड़ा चौकी पर बैठे नवागत जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और लचीली कार्यप्रणाली के कारण चापड़ा में आए दिन आपराधिक गतिविधियां होती दिखाई दे रही। इसी के चलते एक बार फिर चापड़ा के इंदौर रोड पर एक ही रात में तीन जगह पर अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मंगलवार बुधवार के दरमियान रात्रि एक चोर गिरोह ने इंदौर रोड पर तीन जगह पर धावा बोला, जिसमें एक जगह से चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। मुबारक खां के यहाँ पर किराए पर दिए गए मकान को सुना देख चोरों द्वारा दरवाजे की साकल को कटर से काट कर चोर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहाँ से अज्ञात चोर गिरोह एक LCD लैपटॉप सहित अन्य सामग्री उड़े। एक चाय की दुकान पर रखी गुमटी को पीछे से गुमटी को कटर काट कर अंदर घुसकर गुटखा पाउच तेल और अन्य सामग्री ले गए। मावा भंडार पर चोरों द्वारा दरवाजे की साइकिल को काट कर चोर अंदर घुसे, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस मामले में बागली पुलिस ने उक्त मामले में शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है। बागली सर्विस पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।